मेरी गलती कि मुझे कुछ याद नहीं है, जिंदा हूँ बहुत नहीं है क्या आप लोगों के लिए? नहीं याद मुझे कुछ भी। हाँ तो सिर्फ याद ही करा रहे हैं ना, आपको याद है कि आप शादी शुदा है? So, let's assume कि मेरी शादी हो चुकी है, दो साल से मैं कोमा में था। कहाँ है वो? यहाँ होनी चाहिए थी ना। सब लोग हैं, ये लड़की कहाँ है? पड़ी होगी किसी और की बाहों में, सोई होगी किसी और के बिस्तर पर। Let her be, she's gone, she's moved on. मुझे भी move on करना है यार लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कोई रिश्ता होता तो तुम्हें याद होता, और रिश्ते ना दिल से बनाए जाते, अगर दिल ही गवाही ना दे तो कैसा रिश्ता? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी कौन है, कहाँ है, कैसी है। ऋत्विक को कोई और नहीं, वो पलक है। What? दो साल से मैं कोमा में था। कहाँ है वो? यहाँ होनी चाहिए थी। सब लोग हैं, ये लड़की कहाँ है? पड़ी होगी किसी और की बाहों में, सोई होगी किसी और के बिस्तर पे। She's gone, she's moved on. मुझे भी move on करना है यार लाइफ में। अपनी फिजियो। हाँ। Oh shit, पलक। पर वो तो एक मिनट। Oh now I get it. Bro, now I get it. पलक मेरी बीवी, और वो थी यहाँ पर आशा। Oh, और वो तेरी बीवी है यार। हाँ, I know. मैं कल रात को गया था तुम्हारे कमरे में, मैंने देख लिया, I know. और अब मुझे समझ में आया कि इतना awkward क्यों हो रहा था तुम दोनों के बीच में। Bro, I'm so sorry यार। देखो मालूम है जब वो सब हो रहा था ना, आश, मॉम ने मुझे आके बोला कि तुझे और पलक को मिलाना है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम ऐसा क्यों बोल रही है। अब मुझे समझ में आया। ऋत्विक यार, तुम कोमा में थे, और ये शादी हमने सिर्फ बच्चों के लिए की है, जी और दिया के लिए, दे आर योर किड्स। और जब तुम कोमा से बाहर आए तो तुम्हें पिछले 8 साल का कुछ याद नहीं था, डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना है, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करते तो शायद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती, और इसीलिए किसी ने नहीं बताया कि पलक तुम्हारी वाइफ है। ब्रो, ये तो बहुत मैसिव कंफ्यूजन चल रही है यार। जिया दिया मेरे बच्चे हैं, कब हुए? पलक मेरी बीवी है, अब वो तुम्हारी बीवी है, बच्चे तुम्हें प्यार करते हैं, सब तुम्हें मिलाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी दिनों में तेरे बारे में सोचा ही नहीं है यार, व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। ओके, सो लेट्स सेट दिस स्ट्रेट। भाई, तूने जो कुछ भी किया है वो बहुत सही किया है। ओके, यू हैव स्वेप्ट हर ऑफ ऑफ अ फीट। तेरे को मालूम है ये जब कन्फ्यूजन चल रही थी, जब मैं और वो पलक रोहित के चक्करों में घूम रहे थे, तो आई एम सॉरी बट मैंने चांस पाने की कोशिश की। आई थॉट कि अट्रैक्शन तो है ही है, सो आई थॉट हुकअप कर लेगी मेरे साथ, बट she didn't flinch. She was, उसके सामने जब भी तू आता था तो वो बिल्कुल, ब्रो whatever said and done, वो अब तेरी बीवी है, वो बच्चे भी तेरे हैं, बच्चे तुझे प्यार करते हैं, बीवी तुझे प्यार करती है, तू उन्हें प्यार करता है, अब मैं आके क्या करूंगा यार? And to be honest, क्या कह रहे हो? I don't want it. Bro, just look, मैं अभी उसके साथ जाने वाला हूँ, रात को मेरे साथ सोने वाली है। Who the fuck wants बीवी और बच्चे? तू इस टाइप का है ब्रो, मैं इस टाइप का नहीं हूँ यार। मेरी रेपुटेशन है, I'm Ritwik fucking known. I just wanna be with a new girl every day. And हो सकता है मुझसे इमोशनल होके ऐसी कोई गलती-वलती हो गई हो, but fuck it, it's done, it's over, and this is the second chance I've got, and I'm happy, very happy. Simple. Hi sweetheart, how was it? Ritwik, तुम्हारे पास कौन सी स्पोर्ट्स कार है? कौन सी नहीं है, in fact I was thinking कि चलो तुम्हें ड्राइव पे लेके चलता हूँ। Seriously? Of course. Ritwik, क्यों तुम्हें मैं याद नहीं, क्यों तुम्हें हमारा प्यार, हमारे बच्चे याद नहीं? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, क्या गलती थी मेरी? काश कोई तुम्हें बता पाता कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, काश तुम मेरा प्यार देख पाते, क्यों सिर्फ मेरे लिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? आज सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, lost you forever now.
पलक, मैंने ऋत्विक को सब सच बता दिया। वो जानता है कि तुम उसकी वाइफ हो। कहाँ जा रहे हो जिया थी? आप बता रही थी, क्या हुआ? मैंने लगे बाहर थे, सब कुछ संभाल लेता थी पलक ने। पापा जी, वक्त आ गया था। मैंने ऋत्विक को सब कुछ सच बता दिया। आप भी यही करना चाहते थे, और इस घुटन से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। आखिर पता चल गया, अब क्या करें? क्या वो नहीं, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, और ना उसे मुझसे कोई मतलब है, ना जिया थी उससे। सब जानते हुए भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। कि एक ना एक दिन तो उससे पता चलना ही था, पर तुम लोग जा क्यों रहे हो? वो डॉक्टर का कॉल आया था, मैंने डॉक्टर को बताया कि क्या हुआ है। क्या कहा डॉक्टर ने? देखो पलक, कल ही ऋत्विक को एक मेजर स्ट्रेस हुआ है, और अब तुम बता रही हो कि ऋत्विक की वो पास्ट लाइफ जो उसे याद भी नहीं है, वो ऋत्विक पे जाहिर हो चुकी है। वो भी एक ऐसी सच्चाई जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पलक, इट्स पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन हिम। I understand, doctor. आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? Ideally, तुम कुछ दिन के लिए उससे दूर हो जाओ, कहीं छुट्टियों पे चली जाओ। मतलब तुम जितना ज़्यादा उसके करीब रहोगी, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, बस थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, ऋत्विक को थोड़ा स्पेस देने। जो हुआ ना ठीक हुआ। I think Ritwik bhai made it easy for Palak, you know? I know. I think dono ne bahut suffer kiya. True. Pata kya? Main bahut sacrifice kar liya yaar. Thoda chill kar jaake. Okay? Tumhe bhulne se pehle main khud ko hi na bhul jaun Palak. जिस दिन मैं बेहोश हुआ था, मुझे तभी तुम याद आ गई थी। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम पे अपना अधिकार खो चुका था। मैं जानता हूं तुम मेरी हो, और मैंने तुम्हें हमेशा रुलाया है। तुम्हारे जैसी दस आ जाएंगी, गलती से भी मुझे थ्रेटन करने की कोशिश मत करना। क्या याद नहीं है मुझे? ऋत्विक, लेट मी गो। पलक, I'm serious. ऋत्विक, लेट मी गो। कंफ्यूज हो रही हो ना? कि विकी और रिक्की में से ज्यादा अमीर कौन? उसको भी किस, मुझे भी किस, और कौन कौन है? मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ पलक, मैं होश में आ चुका था। Have you forgotten Palak is married to Vikrant? They finally happy family. जिया दिया इतना प्यार करते हैं विक्रांत से, विक्रांत कैसे हो? पलक, पलक को तुमने सालों बाद हंसते देखा है यार। I know you have moved on, Palak. और तुम्हारी चिट्ठी ने सब जाहिर कर दिया पलक। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारा दिल विक्रांत के लिए धड़कता है। शायद मुझे उस एक्सीडेंट में ही मर जाना चाहिए था। जी तो मैं अब भी नहीं पाऊंगा। जो तुम सामने नहीं कह सकती थी वो तुमने लिख दिया। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं एक दिन कोमा से उठ के तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दूं, जिया दिया से उनका बाप छीन लूं, तुम्हें विक्रांत से अलग कर दूं। जिंदा तो मैं रहूंगा पलक, मेरे परिवार के लिए, इस घर के लिए, लेकिन ये जीना भी किसी कोमा से कम नहीं होगा। अभी तो तुम्हें और रुलाना है मुझे। मुझे एक बार फिर वो बेखबर बेफिक्रा ऋत्विक नून बनना होगा जिससे तुम नफरत करती थी, वही अय्याश घमंडी ऋत्विक नून जो औरत को अपने पैर की जूती समझता था। आई विल मेक यू हेट मी सो मच दैट यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन।